नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथी न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से जानकारी पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे फिलहाल बुलेटिन की, और सबसे पहले रीवा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रेमकी कंपनी के यार्ड में भीषण आग लगी है। कंपनी के कचरा वाहन में आग लगी थी। शहर का कचरा इकट्ठा करने का काम ये कंपनी करती है और दमकल की गाड़ी भी मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार चल रही है। ये बड़ी जानकारी रीवा से सामने आ रही है। रेमकी कंपनी के यार्ड में भीषण आग लगी। कंपनी के कचरा वाहन में आग सबसे पहले लगी थी और अब धीरे धीरे अन्य सामानों को भी अपनी चपेट में लेती हुई। शहर का कचरा इकट्ठा करने का काम करती है ये कंपनी। तस्वीरें आप देखिए, भीषण आग की लपटें धधकती हुई नजर आती हैं, धुएं का गुबार चारों ओर। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने के लिए अभी भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि इतने बड़े दायरे में आग फैल चुकी है। एक दमकल की टीम के लिए मुश्किल था यहाँ पर इस आग पर काबू पाना। इसके तमाम सहयोगियों को भी बुलाया गया, तमाम दमकल कर्मियों को बुलाया गया, और उसके बाद अब ये मशक्कत लगातार चल रही है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। तमाम टीमें दमकल की लगातार जुटी हुई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। रेमकी कंपनी जहां पर कचरा इकट्ठा था, शहर के लोगों का जितना भी कचरा होता है वो यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, इस वाहन में सबसे पहले आग लगी थी। और कचरा इकट्ठा करने वाली ही कंपनी है जिसने लगातार, जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, दमकल की टीम को बुलाया, प्रशासन की टीम को सूचित किया गया, और अब मशक्कत इस ओर कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। इतनी भीषण आग है कि आसानी से काबू पाना बहुत मुश्किल। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ जानकारी अभी तक, क्या मौके पर स्थिति है? देखिए, आग पे नगर निगम का जो दमकल वाहन है आग पे काबू पा लिया गया है, और जो जो रेमकी कंपनी के जो जो कचरा वाहन थे वो जलकर पूरी तरह से खाक हो गए हैं। हालांकि जो अन्य बड़ी मशीनरी थी, जो वाहन थे, जो स्टार्ट थे, उनको मौके से तुरंत ही हटा लिया गया था। तो कुल मिला के नुकसान काफी हुआ है और एक दर्जन से ज्यादा वाहन जो है वो सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। दो वाहन जलकर खाक हो गए हैं, लेकिन आसपास के जो मोहल्ला है वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि कचरे से जो धुंध निकला है, जो धुआं निकला है, उससे लोगों को आंख में जलन हो रही है। तो कुल मिला के समय रहते जो नगर निगम का दमकल वाहन है वो मौके में पहुंचा और लगभग 6 से 7 वाहनों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया है। साथ ही शिवेंद्र, क्या वजह अभी तक स्पष्ट हो पाई, किस वजह से आगजनी की घटना सामने आई थी? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है कि इसको ये बताया जा रहा है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। वहाँ पे कचरा भी इकट्ठा किया जाता था, इसके बाद बड़े वाहनों पे जहाँ पे से बाहर शहर से बाहर ले जाया जाता था। तो कुल मिला के कचरे के ढेर में पहले आग लगी है शॉर्ट सर्किट से, और इसके बाद आग विकराल धूप धारण घर के जो यार्ड है उसको आगोश में लिया और काफी क्षति हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब चर्चा करेंगे खंडवा की। सिंगोट में अतिक्रमण हटाने गई टीम का घेराव करने के लिए ग्रामीण यहां पर मौजूद रहे। कार्रवाई के खिलाफ महिलाओं ने जमकर हंगामा किया है। नाराज ग्रामीणों ने अपनी झोपड़ियों में आग भी लगा दी है। सरकारी जमीन पर पारदी समाज ने कब्जा कर रखा है। राजस्व और पुलिस की टीम जैसे ही कार्रवाई करने के लिए पहुंची, कार्रवाई से पहले प्रशासन की तरफ से नोटिस भी दिया गया था। जलकुआ रोड पर ही कार्रवाई की गई है, लेकिन आक्रोशित लोगों ने बहुत हंगामा किया और उसके बाद इस झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। कार्रवाई के खिलाफ किस तरह से महिलाएं भी आक्रोश जाहिर कर रही थी, ये तस्वीरों के जरिए भी आप देख रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के लिए टीम यहां पर पहुंची थी। कार्रवाई के खिलाफ महिलाओं ने जमकर घेराव किया। खंडवा से अगली बड़ी खबर, जहां लकड़ियों से भरे वाहन में अचानक से भीषण आग लग गई। पेट्रोल पंप के पास अचानक से आग धधकी। खंडवा हरसूद रोड पर यह हादसा हुआ है। फायर फाइटर की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। सूचना मिलते ही टाइल 100 की टीम भी यहां पर पहुंची थी। महू से अमलपुरा की ओर ये वाहन जा रहा था, अचानक से उसमें आग लग गई। ओवरहीटिंग की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से ये सब हुआ, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, ये जांच का विषय। लेकिन राहत भरी बात यही है कि सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लकड़ियों से ये ट्रक लदा हुआ था और अचानक से आग लगी और धीरे धीरे पूरे वाहन को चपेट में ले लिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। फायर फाइटर की टीम मौके पर फौरन पहुंची, आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू हुआ और अब स्थिति संभाली।
इधर पंडोकर सरकार ने दावा किया है कि इंदौर की राव विधानसभा सीट से विधायक जीतू पटवारी आगामी विधानसभा चुनाव में 40,000 वोटों से विजयी होंगे। आपको बता दें कि पंडोकर सरकार के दरबार में आज कांग्रेस कार्यकर्ता और पटवारी समर्थक कैलाश पंचौली ने अर्जी लगाई थी। इसके बाद पंडोकर सरकार ने जीतू पटवारी के नाम की पर्ची निकाली। बताया कि अगले विधानसभा चुनाव में 40,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे जीतू पटवारी। जीतू विधानसभा में विजयी होंगे, 100% होंगे, विजयी होंगे, विजयी होंगे। लेकिन इसके लिए आपको पंडोकर धाम जाना है और डबल मार्जिन से विजयी होंगे और अभी से मेहनत करो तो 40,000 से ज्यादा होंगे। और जब पर्ची को लेमिनेशन करा के गले में लटका लेना जब तक चुनाव पूरे ना हो जाए। जीतू भैया जीत गया, बस जीतू विधानसभा में विजयी होंगे, 100% होंगे, विजयी होंगे, विजयी होंगे। लेकिन इसके लिए पंडोकर सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि 40,000 ज्यादा वोटों से जीतू पटवारी आगामी विधानसभा चुनाव में विजयी होंगे। और जब जब पंडोकर सरकार की तरफ से इस तरह का दावा किया जाता है अक्सर सियासत में भी गर्माहट आती है। ये माना जाता है कि जब जब धर्म और सियासत मिलती है तब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन कितना सच होगा ये दावा ये सब तो जनता के हाथ में ही, लेकिन सियासत इस पर भरपूर होने वाली है इसका अंदाजा आप पहले से ही लगा सकते हैं। जीतू पटवारी अक्सर बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर भी अब लगातार चर्चाओं में है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बड़ा दावा कर रहे हैं पंडोकर सरकार इस बार, हालांकि क्या कुछ हकीकत इसके पीछे, कौन यहां पर पहुंचा था, क्या कुछ मौके पर हुआ? देखिए पंडोकर सरकार का इंदौर में दरबार लगा हुआ है, तो इंदौर में जहां पंडोकर सरकार का दरबार है वहां जीतू पटवारी के समर्थक हैं कैलाश पंचौली, तो ये वहां पर एक पर्ची लेकर पहुंचे थे और इस पर्ची में उन्होंने लिखा हुआ था, तो उसके बाद पंडोकर सरकार ने उस पर्ची के पहले ही अपनी स्लेट पर लिखा हुआ बताया कि देखिए आपका जो सवाल था वो मेरी इस स्लेट में लिखा हुआ है। और उस पर्ची में उन्होंने फिर ये बताया कि आपने जो पूछा है वो जीतू पटवारी के लिए, और जीतू पटवारी जल्द ही अगले चुनाव में जीतेंगे और करीब 40,000 वोटों से जीतेंगे, ये दावा किया है। चलिए देखना होगा इसका असर कितना होता है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। दमोह से अगली बड़ी खबर, जहां राज्य बाल आयोग की टीम पहुंची है, आधारशिला संस्थान पहुंची आयोग की टीम और साथ ही महिला बाल विकास विभाग ने यौन शोषण की जैसी शिकायत की थी, फौरन यहां पर टीम का पहुंचना हुआ। शिकायत पर जांच करने के लिए यहां पर लोग पहुंचे हैं। संस्थान के कर्मचारी डैनियल के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज किया गया है। संस्थान में रहने वाले कर्मचारियों पर भी शोषण का आरोप लग रहा है। आधारशिला संस्थान में बच्चियां रह रही थी जिन्हें मद्रास के दंपति ने गोद लिया है, और उसके बाद अब ये टीम जांच के लिए यहां पर पहुंची है। यहाँ मारूताल ये अनाथ बच्चों का संस्थान है। आज आयोग की टीम कहाँ की आई है, राज्य की केंद्र की? आयोग की, राज्य की। क्या जांच करनी है? अब वो इसी संबंध में बच्चों से बात कर रही हैं, अंदर हैं मैडम, वो आके आपको बताएंगी क्या जांच कर रही है। जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसी संबंध में? अब ये तो मैडम से मेरी भी अभी कोई बात नहीं हुई है, वो सीधा बच्चों से बात कर रही हैं, वही बताएंगी। और अब बस सीधी से अगली बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो चुकी है, जहां बस में टक्कर मारी बाइक सवारों को और उसके बाद दो लोगों की जान चली गई। नाराज ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ भी की है। मंझौली के करमाई गांव की पूरी घटना है। तो सीधी से यह बड़ी जानकारी, सड़क हादसे में दो लोगों की मौत का ये मामला, बस ने बाइक सवारों को टक्कर मारी और नाराज ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ की है। तस्वीरें अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि बस के कांच भी टूटे हुए हैं। उज्जैन की अब अगली खबर, जहां नागदा में लापरवाही की हद पार हो गई है, राहगीरों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। लोडिंग वाहन में शेड लगा है, सरिया गिर गया बीच सड़क पर, राहगीरों पर ये सरिया जा गिरा, बाल बाल बचा यहां पर 3 साल का मासूम, उसका पिता हादसे में, महिला को चोट आई है। ये बताया जा रहा है कि दिल दहला देने वाला ये पूरा मामला पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लोडिंग वाहन में शेड लगा हुआ था, सरिया रखा हुआ था, जो कि अचानक से सड़क पर जा गिरा, राहगीर के ऊपर जा गिरा। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें स्पष्ट करेंगी किस तरह की दुर्घटना थी। अचानक से लोगों में
जागुसा ये सरिया। और भिंड से अगली बड़ी खबर, जहां पुजारी की पिटाई की गई है। गोहद के नरसिंह मंदिर के पुजारी की पिटाई, बदमाशों ने पुजारी की पिटाई की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज किया है। गोहद पुलिस के हाथ हालांकि अभी तक खाली। दमोह की अब बात करेंगे। गंगा जमुना स्कूल के संचालकों की कई फर्मों पर छापामारी लगातार चल रही है। संचालकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापामार कार्रवाई एक बार फिर से की है। संचालकों के घर समेत अन्य संस्थानों पर पुलिस की टीमें पहुंची। स्कूल के 13 संचालकों की फिलहाल तलाश की जा रही है। नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कई फर्मों पर रेड मारी गई। वहीं जबलपुर में मुस्लिम युवक से शादी करने वाली युवती के परिजन ने उसका पिंडदान कर दिया, अपनी ही जिंदा बेटी को मृत घोषित कर दिया, शोक का छब्बा दिया। आपको बता दें, एक युवती ने अपनी पसंद से मुस्लिम युवक से शादी की थी, जिसके बाद परिजन ने उसका पिंडदान कर दिया है, शोक संदेश छपवाया है। और इतना ही नहीं, और इस शोक संदेश में परिवार वालों ने बेटी को कुपुत्री और नरकवासी तक बता दिया। माँ बाप अपने खून से सींचते, 9 महीने पेट में रख के बड़ा करते, कैसे कैसे हर दिक्कतों का सामना करके, जब वही बेटी अपने माँ बाप को धोखा दे दे, तो माँ बाप को यही सब करना चाहिए। इस साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं और टिकट को लेकर बातें होने लगी हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में टिकट को लेकर नया क्राइटेरिया सामने आया है। गोविंद सिंह का कहना है, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह कह रहे हैं कि पावरफुल शक्तिशाली लोगों को ही कांग्रेस टिकट देगी। टिकट बंटवारे को लेकर यह बयान था और आगे कहा कि बीजेपी गुंडागर्दी लाठी गोली चलाकर बूथ कैप्चरिंग करती है, बीजेपी की गुंडागर्दी से मुकाबला करने के लिए हम तैयार। सच्चाई है, हम क्या दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले चुनाव में गुंडागर्दी लाठी गोली बंदूकें चलाकर अवैध आक्रमण किया, तो उनसे मुकाबला करने के लिए हमें मजबूत कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडई को जवाब दे सके। क्या पावरफुल और कमजोर आदमी अगर दौड़ करना है, अगर दौड़ में लपू झंडा हो तो 50 मीटर चलने वाला, उसको सिपाही बना देंगे, आरक्षक बना देंगे। जो योग होगा, जो अनुभवी होगा, गुणवान होगा, जो चुनाव लड़ने की क्षमता रखता हो, हम क्या ग्राम पंचायत का चुनाव थोड़ी है। भारतीय जनता का मुकाबला करने, गुंडई का मुकाबला करने के लिए हमें मजबूती के साथ, ताकत के साथ मुकाबला कर। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, आंगनवाड़ी सम्मेलन में हर साल कार्यकर्ताओं को इंक्रीमेंट देने का ऐलान। 1,000 रूपये बढ़ाया जाएगा मानदेय, सरकारी कर्मचारियों की तरह मिलेंगी सुविधाएं। कांग्रेस में टिकट को लेकर नया क्राइटेरिया, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने तय किया नया पैमाना। कहा, बीजेपी की गुंडागर्दी को देखते हुए कांग्रेस पावरफुल प्रत्याशियों को देगी टिकट। नेता प्रतिपक्ष ने रावण से की आरएसएस की तुलना, संघ को बताया षड्यंत्रकारी संगठन। कहा, रावण के 100 पुत्र थे, आरएसएस के 150 पुत्र। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा का विशेष जनसंपर्क अभियान जारी, केंद्रीय मंत्री पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हो रहे शामिल, अलग अलग वर्गो के लोगों से कर रहे मुलाकात। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पहुंचे महाकाल के दरबार, भस्म आरती में हुए शामिल। डीके शिवकुमार की माने तो वो भगवान महाकाल और काल भैरव के भक्त। दमोह में गंगा जमुना स्कूल के संचालकों की कई फर्मों पर रेड, स्कूल के 13 संचालकों की तलाश जारी, नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कई फर्मों पर रेड। दमोह में आधारशिला संस्थान में यौन शोषण का मामला, जांच के लिए पहुंची राज्य बाल आयोग की टीम, संस्थान के कर्मचारी पर। देवास में युवती की मौत पर हंगामा, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेरा, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन के नागदा में लापरवाही की हद, लोडिंग वाहन से गिरा शेड और सरिया, बाल बाल बची मासूम की जान। खंडवा के सिंगौट में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, महिलाओं ने किया कार्रवाई का विरोध, नाराज लोगों ने लगाई झोपड़ियों में आग। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, राजधानी में एक पीपल का पेड़ गिर गया है, कई गाड़ियों पर पीपल का पेड़ गिरा है, लाखे नगर चौक के पास ही पेड़ गिरा है। पेड़ गिरने से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही, घायल अवस्था में है। 2 गाड़ियों के ड्राइवर को चोटें आई हैं, कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। पेड़ गिरने से इलाके में ट्रैफिक जाम की भी स्थिति, आजाद चौक थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला।
ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, राजधानी रायपुर की तस्वीरें। अचानक से तेज हवा के चलते एक पेड़ गिर गया, दो ड्राइवर्स को गंभीर चोट आई है, जबकि जो घायल हैं उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आवाजाही भी इस मार्ग पर पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए। और बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18। वैसे तो आप बड़े शांत रहते हैं, लेकिन केजरीवाल जी का नाम आते ही आप गुस्सा आ जाता है, क्योंकि दिल्ली मेरे दिल में बसती है। अगर आप बताना चाहें हुआ क्या था उस रात, कुछ क्रिकेटर्स विज्ञापन में पान मसाले की ऐड कर रहे हैं। अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनना, नाम जरूरी नहीं है, काम जरूरी है। क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए? कोई क्रिकेट मैच हमारे जवानों की जिंदगी से बड़ा नहीं है, कोई भी नहीं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय